खोलो अपनी बाइबल। हाले भी लोग हील हो रहे हैं ऑनलाइन, जिथे सुन रहे हो, छू रहे हैं। आज लिखिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। पंजाबी च पढ़ो इन, मती बाई और 29 आयत कि पंजाबी अगे अगे बैठे पंजाबी कि पढ़ो, मती बाई 29। यसू ने उन्होंने उत्तर दिता, तुसी किताबा और परमेश्वर की समर्था नू ना जान, ना जान करके भुल दे विच पए। किताबा ते ओदी समर्था नू ना जान करके कि पए हो, तुसी भुल दे विच पए हो। कुछ लोग हैगे और कुछ सेवकाइयां हैगियां जिन्हें किताबां नूं ते जानदियां, बाइबल नूं ते जानदियां, पर सामर्थ नूं नहीं जानदियां। कुछ विश्वासी हैगे जिहड़े सामर्थ नूं जानदे पर बाइबल नूं नहीं जानदे, प्रेयर तां करदे पर बाइबल नहीं पढ़दे। कुछ लोग हैगे जिहड़े बाइबल पढ़दे पर प्रेयर नहीं करदे, कुछ प्रेयर करदे बाइबल नहीं पढ़दे, कुछ किताबां जानदे कुछ सामर्थ जानदे, पर परमेश्वर कहिंदा जे कन्फ्यूजन दूर करनी, जे भुल दूर करनी, जे अपनी जिंदगी सीधे राह पैना है, तो परमेश्वर कहता तेन किताबां यानी बाइबल भी तेन समझनी पेगी, तो परमेश्वर की सामर्थ नु भी समझना पेगा। हालेलुया। जिन्हें कल्ली बाइबल पढ़ी उन्हें देख लिया कि बाइबल च लिखा उसके कोड़े खाना ही चंगे हो चुके हैं, पर जो वह चर्च आंदा और वचन नु सुनदा है, पर प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचन नु सुनदा हो, कि इत्थे एक ब्रदर मौजूद है, हुण किन्नू पता कि लैटरिंग उपर चढ़दी की हुंदा है, ऐदा दे केस जिहड़े तुसीं सोचे भी नहीं हुंदे कदी, और परमेश्वर रिवील करके दस रहे हैं कि जिथे सामर्थ होएगी और वचन होएगा उथे भुल तो बाहर आणगे लोग, कन्फ्यूजन तो बाहर आणगे लोग। तुसीं अपने कन्फ्यूजन तो बाहर आने वाले हो, शक्का तो बाहर आने वाले हो, वहमा तो बाहर आने वाले हो। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग आज भी वहमा पर मज पए, व्याह ते हर रीति रिवाज कर जिहड़ा एक मसीह नूं नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना पवित्र शास्त्र नूं समझदे ना उहदी सामर्थ नूं समझदे। जे पवित्र शास्त्र नूं समझदे होण ते इह भी समझदे होण कि अगर ऐदा दे काम असी करांगे अनॉइंटिंग लीक हो जाएगी, अनॉइंटिंग नूं अभिषेक नूं बाइबल दे विच तेल दे नाल दर्शाया गया, तेल खुला रख दो हवा च खत्म हो जाएगा, वो बहुत दिनों तक प्यार रवे स्मेल करेगा, वो तेल नूं बार बार रीफिल करना पैंदा, चेंज करना पैंदा, अपने मोटरसाइकिल दे विच मोगलाइल नूं चेंज करना पैंदा तुहानूं, क्योंकि चिकनाहट खत्म हो जाती है उहदी। कुछ लोग अपनी सामर्थ नूं समझदे नहीं और उन्हें रीफिल नहीं करते, अपने आप नूं भरदे नहीं, ते बाद चो स्मेल आती है, फिर कन्फ्यूजन आती है, पता नहीं की करना है, पता नहीं परमेश्वर ऐदा क्यों कर रहा, पता नहीं मैं की करा, पता नहीं मैं किदा किदा करा, मैं की करा। परमेश्वर कहता तू सामर्थ दे विच वध, ते तू पवित्र शास्त्र दे विच वध, ते तू भुल दे विच नहीं पएगा। अज तो बाद तुसी अपने भुलां तो बाहर आ रहे हो। आमीन छोटे, आमीन छोटे। लाइफ तुहानूं ओह नहीं दिंदी जो तुसी डिजर्व करते हो, लाइफ तुहानूं ओह दिंदी है जिहदे लई तुसी मंगदे हो, फाइट करदे हो, कम करदे हो, जिहदे जिहदे लई तुसी। हालेलुया। दाऊद जानता सी अभिषेक की कीमत नूं,
और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बाइबल च कि तुसी सामर्थ नूं नहीं जानते इस करके भुल दे विच पए हो। जो सामर्थ उतरती है बंधन टूटते हैं क्योंकि अभिषेक दे करके तेरा हर जुआ हर बंधन तोड़ दिता जाएगा। बाइबल दस दी जो एक बंदे दे सिर ते जुआ होवे ना वो थले देखता सिर्फ और थले देख के चलता हो क्यों सिर ते बहुत वड्डा जुआ रखा है वो ऐदा नहीं कर सकता क्योंकि सिर ते बंधन है सिर ते जुआ है सिर ते पार है ते बाइबल लिखा वो पार सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक ही तोड़ सकता। मैं परमेश्वर दे दास को गया मैं क्या मैंने एक बहुत वड्डी चर्च चाहिए कहते तेन चर्च नहीं चाहिए तेन सामर्थ चाहिए जो सामर्थ आएगी चर्च भी आएगी। और लोग हैरान हो रहे थे कहते कितना दी चर्च है तूफान आ गया बारिशा आ गई 50,000 बंदा इन्ने गोडे गोडे पानी च परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है बच्चों समेत कहते असी नहीं देखा इतना कभी भी। एक एक इंग्लैंड तो मैं मैसेज आया कहना मेरी सिस्टर इंग्लैंड इंग्लैंड तो चर्च पहली बार आई सी कहती ओ माय गॉड क्रेजी पीपल कहती ऐदा दे लोग मैं पहली बार देखे कहती साडे हॉल रखते एसी साडे जी बड़े इंतजाम करते फिर भी लोग जड़े दो घंटे नहीं बह हुंदा उन्हां को कहते उ टेंटा दे विच बारिशां दे विच पानी दे विच लोग खड़े बार छे छे घंटे 10 बजे 9 बजे कोई 7 बजे कोई रात के 11 बजे मीटिंग दे आके बैठा हुआ है। ओ तुसी परमेश्वर दे सामर्थ की कीमत नू समझ रहे हो और यही सामर्थ नू छुड़ाएगी परमेश्वर दे नाम दे विच। तुहाडे जुए टुटन तुहाडे घर च जुए टुटन बॉडी तो टुटन स्पिरिट तो टुटन दिमाग तो टुटन फाइनेंस तो टुटन हर जुआ टुटे बीमारी का जुआ टुटे यीशु मसीह के नाम दे विच मैं मंगदा हां डिप्रेशन का जुआ टुटे सुसाइड की आत्मा का जुआ टुटे निराशा का जुआ टुटे बीमारियां का जुआ टुटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया आवाज अलग अलग आमीन किन्ने समझ रहे हैं उन्हें कहता अभिषेक दे करके जरा हर जुआ की किता जाएगा तोड़ दिता जाएगा सिद्धि जी गल लिखी बाइबल दे विच कहता तुसी अभिषेक नू नहीं जानते इस करके की पए हो तुसी पुल दे विच पए हो। किन्नी प्रेयर है तुहाडी अद्धा घंटा के एक घंटा किन्नी प्रेयर है एक घंटे ने सामर्थ पालूंगे तुही हैं दसो तुसी बैंक जानते हो बैंक है ना तनु बहुत तगड़ा काम पै गया बई तुसी आ 20 लाख का काम पै गया तनु एमरजेंसी पै गई तनु तुहाडी जिंदगी नालों वड्डी एमरजेंसी बैंक गए तुही 20 लाख कढ़ान जे जमा कराया होगा तो कढ़ाओगे तुही कढ़ा लोगे बिना जमा कराए ना ना बैंक मैनेजर नू कह दियो मैनू बहुत लोड है जी रोलियो दे सामने चिक्का मारियो रोलियो अपने अपने सारे काम दिखा दियो जेडे एमरजेंसी पै गए तुहानू दे दूंगा ओ तुसी बड़े वधिया हो सच्चे इंसान हो दे दूंगा तामी और मैं कहना तुसी दुनिया दे सब तो वड्डे संत हो तामी दे देगा तुहानू ओ कहूगा भाई साहब डिपोजिट करवाया ते ले लो नहीं तो जाओ कदी डिपॉजिट कराया अपने आत्मिक बैंक च किन्नी प्रेयर है प्रभु जी आ वड्डा चमत्कार कर दियो प्रभु कहना वड्डा डिपॉजिट तू कराया कदी वड्डा विड्रॉल जाना है वड्डी रकम जाना है वड्डा मिरेकल जाना है वड्डा डिपॉजिट नहीं कराया तू चेले प्रभु नू कहंदे परमेश्वर सानू बड़ी शर्मिंदगी हुई असी क्यों नहीं दुष्ट आत्मा कट सके बाकी असी कट दिया पर आ वाली क्यों नहीं कट सके। यीशु मसीह कहते तुहाडे विश्वास दी घटी दे करके विश्वास ना होने करके नहीं विश्वास दी घटी करके फिर यीशु मसीह कहते ए प्रजाति दुष्ट आत्मा दी ए जाति बिना प्रार्थना ते बिना उपवास नहीं निकलती
कुछ निकल जाएगियां। परमेश्वर ने कहा पर जे मेरा चेला प्रार्थना ते उपवास नहीं होएगा सब नहीं निकलनगियां। हालेलुया। परमेश्वर ने कहने का मतलब सीगा ए प्रजाति ए 5 लाख वाली है, तेरा डिपॉजिट 2 लाख है, डिपॉजिट पूरा कर, कड़ा ते कड़। हालेलुया। सिंपल जी वर्डिंग दसी परमेश्वर ने। प्रभु कहता ए प्रजाति बिना प्रार्थना बिना उपवास तो नहीं निकलती, पर जो मैं प्रार्थना करने लिए पहाड़ ते गया हूं ना तुम सुते होंगे हो, तुम नींद आई होंगी, तुम थके होंगे हो, पर मैनू पता है मैं थकिया होया मैं तभी प्रेयर करनी है। कई बार परमेश्वर 8-8 घंटे की हीलिंग मिनिस्ट्री तो बाद प्रेयर करन जाते, 8 घंटे की हीलिंग मिनिस्ट्री, हाथ रख हील कर, दुष्ट आत्मा में कढ, वचन दस लोगों को, परमेश्वर बारे दस, उदे राज एंट्री करा, काम खत्म, सोना नहीं, हुन किथे पहाड़ दे उते की करन, प्रेयर करन। उदो प्रेयर करनी, परमेश्वर ने कहा शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है, शरीर नहीं मानता पर आत्मा तैयार है, ते जे आत्मा दी गल सुनोगे ते ओ मिलूगा जड़ा परमेश्वर देना चाहता है, और ओ मिलूगा जो तुसी चाहते हो। दाऊद कहता ओदे बाकी सारे भरा फेल हो गए, क्यों? शरीर दी गल सुनी। दाऊद पास क्यों आया? आत्मा दी गल सुनी। टाइम आ गया, परमेश्वर कहना मैं अभिषेक करना भी यशे दे एक मुंडे नू, आ वाला बॉक्स देना है जिद च खजाना है मेरा आत्मिक एक मुंडे नू, पर ओनू मिलूगा जिद को चाबी होएगी, और चाबी ओदे को होएगी जिन्हें चाबी लिती होएगी। जो चाबी लैन का टाइम सीगा ओदे भरा लड़कियां ना घूमन डे सी, कोई शराब पीन गया होया सी, कोई व्याह ते गया होया सी, ते जो मसा होने का टाइम आया सारे शर्मिंदे होए। परमेश्वर कहता है फेल है, अभी फेल है, अभी फेल है, अभी फेल है, सत्ते फेल है, कौन रह गया? दाऊद रह गया, बुलाओ उन्हों। परमेश्वर कहता यही ओ है जिदे को ओ चाबी है, यही ओ है जिन्हें मैं मसा करांगा, यही ओ है जो अनॉइंटिंग दी कदर करने वाला इंसान है। याद रखो बैंक दे विच डिपॉजिट कराया कभी फेल नहीं होता, फ्यूचर दे विच कुछ भी हो सकता मैं जानता, पर समझो गल नूं, तुसी डिपॉजिट करवांदे हो रोज 5,000 2,000 रोज रोज, और एक दिन तनु अपना सुंदर घर बनाने लिए 10 लाख की लोड़ है, तनु भीख मंगन की लोड़ नहीं पेगी, लोन लैन की लोड़ नहीं पेगी, शर्मिंदे होने की लोड़ नहीं पेगी, ती कटाऊंगे काम करूंगे, और जीसस गवाही दे नाल वापस आने लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का दास यकूब कहता कहिंदा एलिया भी तुहाडे समान दुख सुख भोगी बंदा सी। सानू पता की लगता कई बार बाइबल च कि वह पता नहीं स्वर्ग तो उतरे सके, कहिंदा वह भी तेरे समान दुख सुख भोगी बंदा सी, पर जदों उन्हें प्रार्थना की गिड़गिड़ा के कि मैं ना बरसे ते परमेश्वर ने बारिश नहीं बरसाई, जदों उन्हें प्रार्थना की बारिश आए ते परमेश्वर ने फिर बारिश बरसाई। मैं लोगों को दसदा एलिया डिपॉजिटर सिगा, बड़ा तगड़ा जमा करने वाला बंदा, राजे नु पहली वर्डिंग पता की कहिंदा, कहिंदा राजा जिस परमेश्वर दे सामने मैं खड़ा रहना, जिस परमेश्वर दे नाल मैं रोज चलदा, मैं डिपॉजिट करवाना उस परमेश्वर दी सौं मेरे कहे बिना। परमेश्वर ते जिम्मेवारी नहीं ओदे अपने ते जिम्मेवारी, उन्हूं श्योरिटी सी मेरे कल दी, क्यों? क्योंकि उन्हें डिपॉजिट करवाया होया सी। जो दी बैंक तुहाडे पैसे जमा हो ना 10 लाख रुपया ते 5 लाख तुसीं कढ़ाना होवे तुहाडे हाथ कंबदे नहीं, क्यों? तुहानूं पता मेरे पैसे
कोई दुनिया की ताकत कढ़ाने तो रोक नहीं सकती। मैं जाना साइन करने, दैट्स इट, पैसे बाहर। एलिया ने अपनी जिंदगी जो डिपॉजिट करवाया एक मिरेकल किया कि बारिश बंद करती, थोड़े पैसे खर्चे गए। फिर सेकंड मिरेकल किया, केड़ा मिरेकल सिगा हो, 450 बाल ते नबियां नू कल्ले ने मारता। कहिंदा जे तुहाडा रब सच्चा है आसमान तो अग उतार के दिखाओ, जे मेरा होएगा सच्चा ते मैं उतार के दिखाना। बाल दे 450 नबी मर गए उस दिन। सुनो, पैसे होर खर्चे गए आत्मिक, बैंक च बैलेंस हो गया खत्म। इजाबेल कहती, ओए एलिया, जो तुम मेरे नबिया ना किता मैं तेरे ना करूंगी। लिखा लिखिया एलिया भज्जिया, राजे को डरिया नहीं, 450 बाल दे नबिया को डरिया नहीं, एक निकी जी औरत को डर गया। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट की हो गया, खत्म हो गया। पतरस कहता, प्रभु जी मैं तू ही मरो तो सही, ताडे नाल मेरी गर्दन भी ना कि गल करी हो। परमेश्वर कहते, पतरस ए मसीहत शरीरिक दलेरी दे नाल चलन वाली नहीं, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा च ना पवे। कहता नहीं नहीं परमेश्वर, जे तुहानू कुछ होया ते असी नाल मरांगे। बाकी जेले कहंदे हां जी असी भी इदी नाल मरांगे। जिदा पतरस कहंदा की होया, मुसीबत आई यीशु मसीह ते, लिखा चेले तितर बितर होए भज्जे, इनकार करता। बाद च फिर यीशु मसीह ने उन्होंने इकट्ठा किया, जी उठन दे बाद वो समझ गए कि हां परमेश्वर ने मरना सीगा। उन्होंने बाद च समझ आई और वही 12 चेले ने दुनिया हिला के रख दी। एक इंडिया दे विच, केरला दे विच भी आया, पता कि नहीं पता। उन्होंने 12 चेलिया चो एक चेला इंडिया आया सी। असी थोमा ते द्वारा बचाए गए। आमीन छोटा है, हालेलुया। किन्ने नू समझ आ रही? वड्डा मिरेकल चाहते हो, वड्डा विड्रॉल चाहते हो, वड्डा डिपॉजिट करवाओ। उदे च कीती मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती, बाइबल च लिखिया। हां के ना अद्धा घंटा प्रेयर नहीं, गप्पा मार दे वड्डियां वड्डियां, डिमांडा रख दे वड्डियां वड्डियां, बीमारियां मंग दे वड्डियां जान। प्रेयर किन्नी? 15 मिनट। मेरा मुंडा नशे छड़ दे, मेरी कुड़ी नशा छड़ दे। प्रेयर किन्नी माता जी? अद्धा घंटा। अद्धी रोटी ना चल जू रोज है, चल जूगा अद्धी रोटी नाल? रोज तुहानू अद्धी रोटी देनी चल जूगा? किन्ने दिन चलूगा? 5 दिन 10 दिन महीना, उस तो बाद की होगा? कमजोर होंगे, बीमार होंगे, मरूंगे। हां के ना? डेली 15 मिनट प्रेयर, डेली 10 मिनट प्रेयर, डेली अद्धा घंटा प्रेयर, चल जूगा? इसलिए आत्मा च मरण दे नौबत आ जाती लोगों की, इसलिए विश्वास घट है उन्होंने, इसलिए पावर घट है, इसलिए ताकत घट है, क्योंकि शैतान टीट है। वो अग देखेगा दे जाएगा, सामर देखेगा दे जाएगा, पावर देखेगा दे जाएगा, गल्ला ना जाना नहीं उन्हें। हालेलुया, उन्हें गल्ला ना नहीं मनना। वो डंडा देखता हो, जे मोटा डंडा लंबा डंडा भजदा फिर हो, उन्हें पता है मेरे पैनिया हूं। तड़ी स्पिरिट, तड़ी आत्मिक जिंदगी चेंज होवे आज तो। जो तो एक घंटे की प्रेयर कम नहीं ना करेगी, 2 घंटे कर दी हो, 2 दी कम नहीं आएगी 3 कर दी हो, 3 नहीं आएगी 4 कर दी हो, 4 नहीं आएगी 6 कर दी हो, 8 कर दी हो, 12 कर दी हो, ए आएगी कम, ए आएगी कम। मैं कह आएगी कम यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, बदलाव दी गल करदे आप, चेंज होवे जी सारा कुछ। प्रेयर किन्नी? 15 मिनट।
तेरा विश्वास तेरे कर्म नाल साबित नहीं हुंदा। कहिंदा तेरा विश्वास अगर बिना कर्म दे ते अधूरा विश्वास है। जो तू चाहना परमेश्वर करे तेरी जिंदगी, की प्रेयर है तेरी, किन्नी फास्टिंग है तेरी, किन्ना तू अपने आप नू अलग रखता है लोगों तो। गाना तुसी नहीं छड़िया, डीजे तुसी नहीं छड़िया, व्याह कोई नहीं छड़ना, कुछ छड़ना नहीं, पर प्रभु को लो सारा कुछ चाहिए। पैसे कराने 5 रुपए जमा, कढ़ाने 1,00,000 रुपया। ते बैंक वाले ने भी क्या होंदा है, बाहर बैठो वे जब बंदा दूरों नजर आए तेनू पजा दियो, ये पागल बंदा है, जमा 5 रुपए कराना आंदा है, कढ़ान 1,00,000 रुपया आंदा है। तुहाडी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होए, प्रेयर लाइफ तुहाडे अंदर एंटर करे परमेश्वर दे नाम दे विच। हालेलुया। खाता हैगा ऊपर के नहीं, पता कितना खोलता है खाता, बपतिस्मा लेके, ओ तो बिना खाता नहीं खोलता बैंक च। पहला खाता खिलाना पैंदा, फिर पैसे जमा होंदे, पता है कि नहीं। कहिंदा मेरे राज दी खोज कर, अमेरिका दे बाहर हो ना बोली जा, मैनू अमेरिका दी सारियां सहूलतां मिलन। परमेश्वर कहिंदा जिस देश दी सहूलत चाहिए उस देश दा वासी बन। जे परमेश्वर दे राज दीआं सहूलतां चाहीदीआं उहदे राज दे वासी बनो, बाहरों नहीं मिलना कुछ भी। जिन्ने मर्जी चंगे होइए आपां ते बाहरों मैक्सिको तो कही जाइए अमेरिका नूं कि मैनू अमेरिका दीआं सहूलतां मिल जाण, मैं बड़ा चंगा वा जी, मैं कहे दा माड़ा नहीं कीता सारी उम्र, वह कहणगे भाई असी की करिए। जे तू अमेरिका दा सिटीजन हैगा ते अमेरिका दी सहूलतां मिलणगियां। कद तक बुद्धू बने रहांगे आपां, कद तक अखां बंद करे रखांगे आपां, कद तक उहदे राज च प्रवेश करन दे लई सोची जावांगे आपां। खाता खिलावांगे तां जमा करावांगे, जमा होणगे तां कढ़ावांगे। बाइबल च लिखिआ परमेश्वर यीशु मसीह लोकां दे नाल उहनां दी भाषा च गल करदे सन, उहनां दे हिसाब नाल एग्जाम्पलां दे के उहनां नूं समझांदे सन कि परमेश्वर दा राज की है। हालेलुया। सब कुछ बदले जो तुहाडे नाल जुड़िया होया। अपने हत्थां नूं उठाओ, मेरे नाल एक मन हो जाओ, बोलो धन्नवाद परमेश्वर मेरी आईज नूं ओपन करन दे लई। अज तो मैं तुहाडे राज दे विच वधांगा, तुहाडी सामर्थ दे विच वधांगा। उठाओ अपने हाथों नूं, उची 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 आवाज दे विच तेरी आवाज मैनू आनी चाहिए चर्च। अज तो बाद तुसी प्रेयर करोगे तुहाडे कराने चेंज होणगे। जो कुछ तुहाडे नाल जुड़िया वह चेंज होएगा, परमेश्वर दा आत्मा तुहानू उठाएगा।
शर्मिंदगियां तुहाडा हिस्सा ना होण गियां, शर्मिंदगियां तुहाडा हिस्सा ना होण गियां, शर्मिंदगियां तुहाडा हिस्सा ना होण गियां, शर्मिंदगियां तुहाडा हिस्सा ना होण गियां। आमीन। जिन्ना उच्चा और लंबा ब्लेसिंग उन्नी वड्डी है।